सो फाइनली स्टार्ट हो चुका है रोड ट्रिप और हम लोग इस बार जा रहे हैं गोवा, और ये मेरा फर्स्ट रोड ट्रिप है और वो भी मेरे कार में। और ये है ज़ोरो जो कि मैंने लिया था लास्ट ईयर, बट उसके बाद जो है अभी तक कोई लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए नहीं थे। सो वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव फाइनली एंटर्ड कर्नाटका और हम लोगों ने शुरू किया था एग्जैक्टली 4:19 को, अभी बज रहा है 6:08। अभी सोलापुर घुसने में जो है एग्जैक्टली 2 hours 56 minutes बाकी है और किलोमीटर 177 जैसा दिखा रहा है अभी मैप में। एंड फ्रॉम सोलापुर वील ऑल्सो ऑफिशियली एंटर महाराष्ट्र एंड वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड सून वील वेलकम टू अ न्यू डेस्टिनेशन। मेरे साथ अरिजीत भी है जो शूट कर रहा है अभी, और हम लोग जो निकले हुए हैं ऐसे एक डेस्टिनेशन पे जहाँ पे बहुत जन जो है जाना पसंद करते हो जब भी छुट्टी मिलता है। तो हम लोग को भी 3 दिन का छुट्टी मिला था, विदाउट ऑल ऑफ अ सडन इंस्टेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 days एक्चुअली, मतलब आज से पहले 3-4 दिन पहले ही ऐसा है जो हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि व्हाई नॉट वी कैन गो टू अ प्लेस जो जहाँ पे क्रिसमस के टाइम या फिर न्यू ईयर ये जो पूरा स्पैन रहता है वो एक्सपीरियंस करने के लिए क्यों ना चले। इसलिए हम लोग अभी चल पड़े हैं गोवा के लिए। यस, वी आर ऑफिशियली गोइंग टू गोवा एंड अभी जो है अभी भी अंधेरा ही दिख रहा है आपको जैसे सामने। आई थिंक प्रॉब्ली अनदर हाफ एन आवर एंड देन वी बी एबल टू सी सनलाइट, और तब जो है साफ दिखेगा हम लोग भी। और हम लोग भी जगह पे रुकेंगे क्योंकि हम लोगों ने खाना सब कुछ लिया हुआ जैसे आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग पे देखा हुआ था। सो कंटिन्यूएशन करके ये ब्लॉग अभी चल रहा है। तो वी वर एक्चुअली अबाउट टू स्टार्ट लिटिल अर्ली, बट एक्चुअली हम लोगों ने जो है सोचा कि ठीक है इट्स ओके इवन इफ यू रीच बाय 5 o'clock। सो हम लोग का टारगेट है कि गोवा हम लोग को टच डाउन करना है 5 बजे के अंदर। सो इफ यू कैन रीच बाय 5 देन वी विल हैव द एंटायर इवनिंग टुडे इटसेल्फ टू स्टार्ट अ जर्नी इन गोवा। सो लेट्स गो टू गोवा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सेकंड टोल जो कर्नाटका में है। सो अभी जो है धीरे धीरे सुबह जो है आप देख पा रहे हो अंधेरे से जो हम निकल के अभी टुवर्ड्स गोवा जा रहे हैं, और सुबह भी हो रहा है, अंधेरा भी धीरे धीरे जा रहा है, और रास्ता अभी तक तो जो है सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रास्ता है, हम लोग को बिल्कुल फील नहीं हुआ। अरिजीत इनफैक्ट इधर पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसको अभी तक आई डोंट थिंक कुछ फील हुआ कि कुछ जर्किंग नहीं फील हुआ, ऑल गुड। एंड इवन द बेस्ट पार्ट इज दैट मुझे एक्चुअली जो है मजा आ गया ब्रेजा में। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव है, मेरा अपना भी लॉन्ग ड्राइव फर्स्ट है, और ये मेरे जोरो जो मैं गाड़ी का नाम जो जोरो मैंने दिया हुआ है ब्रेजा का, ये ब्रेजा का भी जो है ये फर्स्ट इतना एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहा है। इसके पहले हार्डली कुछ मतलब शहर में जो है घुमा फिरा हुआ है, ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं किया है मैंने, तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद फाइनली मौका मिला है। एंड सो फार आई एम लविंग इट बिकॉज इसके इंजन रिफायरमेंट इतना अच्छा है, मैं चला रहा हूँ ना मुझे बिल्कुल मक्खन गेस जा रहा हूँ, ठीक है। और इसका सबसे मजा यह है कि अगर आप थर्ड गियर भी रहो, अगर बीच में रुक गए उधर से भी जो आप फिर से चालू कर सकते हो, तो आपको फिर से वो न्यूट्रल में डाल के फर्स्ट गियर डालने की जरूरत ही नहीं है। एंड हम लोग बहुत मिनिमल एक्चुअली ब्रेक लेंगे, बट जहाँ पे ब्रेक मिलेंगे उधर पे बस खाने के लिए थोड़ा बहुत कॉफ़ी भी हम लोगों ने जैसे देखा अपने उन्होंने पैक किया सभी, अब एक्चुअली हम लोग के पास है थोड़ा बहुत, अगर कुछ मिले खाना तो टेस्ट करेंगे अगर वो लोकल फूड कुछ मिला, बट मोस्टली वी हैव ऑल द फूड। हाँ, लंच का जो है वो हम लोग को देखना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग शायद ढाबा में रुकेंगे कहीं पे, और ढाबे में रुक के जो है हम लोग प्रॉपर लंच करेंगे। सो दैट इज इट, अभी आप देखोगे तो अभी और भी जो है धीरे धीरे आपको दिखेगा, अंधेरे से हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे जो है रोशनी बढ़ रही है। आई एम श्योर और प्रॉब्ली आधे घंटे के अंदर जो है मुझे ये हेडलैम्प भी बंद कर देना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग अभी महाराष्ट्र भी पहुंच गए हैं, बट पता नहीं चला एक्चुअली कब हम लोग महाराष्ट्र अंदर भी चले गए, और चेक पोस्ट जो अभी हम लोग कर्नाटका में जब एंटर करते हैं मिला था, बट फॉर सम रीजन हम लोग को इधर पे एक्चुअली मिला नहीं। बट एनीवे देख के तो चारों तरफ लग रहा है कि महाराष्ट्र पहुंच चुके, बिकॉज अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर हर जगह पर सब जो महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसके मतलब मुताबिक लग रहा है कि हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। मैंने ऑटो भी देखा जो महाराष्ट्र का
जिसमें रजिस्ट्रेशन है, तो आई थिंक बस और ट्रक का समझ सकते हो, ऑटो का आई डोंट थिंक हो सकता है कि दूसरे स्टेट में चलेगा। तो एनीवे, तो अभी हम लोग सोलापुर के लिए जो है एग्जैक्टली अगर आपको बताओ, हम लोग हैं कुछ 88 किलोमीटर दूर सोलापुर पहुंचने में। सोलापुर में हम लोग सोच रहे कि डायरेक्टली ब्रेक लेंगे एट अ स्ट्रेच, हम लोग कितना 400 किलोमीटर क्या ऑलमोस्ट, नहीं सॉरी 400 क्या बोला सॉरी 250 किलोमीटर हम लोग जो है अराउंड कवर कर चुके हैं, उसके बाद ही ब्रेक लेंगे देर सोलापुर पहुंच के, बिकॉज उधर से फिर हम लोग को जो लोकेशन जाना पड़ेगा डेढ़ घंटे और, एंड देन अरिजीत का भी जो है काम खत्म हो जाएगा तब तक ऑफिस का, एंड देन जो है हम लोग आराम से बैठ के उससे बिताएंगे, एंड देन फिर से उधर से स्टार्ट करेंगे। तो जाते हैं तब देखते रहिए कि मतलब क्या ब्यूटीफुल एक्चुअली जो है क्योंकि इंडिया में जो है ना हर एक स्टेट छोड़ दीजिए, आप 100-200 किलोमीटर भी क्रॉस करेंगे ना तो अलग अलग आपको नज़ारे देखने मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के लोग, कल्चर तो अभी उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट लोग आपको देख के समझ पे आएंगे आपको कि कैसा है, घर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जो खेत ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको तो वो डिफरेंट रहेगा, पहाड़ ये वो हर एक कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। तो ये अधिक मज़ा है जब रोड ट्रिप पर जाते हो या फिर ट्रेन पर भी जाते हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्लाइट पर तो ऊपर से दिखते कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए मज़ा लेते हैं, लुफ्त उठाते हैं गोवा की तरफ जाते हुए। अभी हम लोग इधर पे रुके थे क्योंकि हम लोग का इधर पे चेक हुआ लाइसेंस RCA और पोल्यूशन, बट दे आर आई थिंक फ्रेंडली इनफ, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं करे। मैं कुछ ब्लॉग दे रहा था पहले जहाँ पे दे आर सेइंग कि नो ये लोग परेशान करते हैं मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं लगा, दे जस्ट चेक योर डॉक्यूमेंट एंड बस वही इधर से निकल गए हम लोग। और आप देखेंगे ना क्या आप सही दिख रहा है इधर पे, जो मैं बोल रहा था कि नो हर एक स्टेट का या हर एक डिस्ट्रिक्ट का गांव का अलग डेफिनेशन रहता था, ऐसे महाराष्ट्र का ऐसा जो है यही होता है, पहाड़ आपको जैसे दिखेगा एग्जैक्टली, एंड आई एम श्योर कि यही चीज़ अगर मॉनसून पर है तो बहुत दूसरा दिखेगा। बट एनीवे, बातें जो है बात आगे ना बढ़ाते हुए अभी जो है हम लोग और 54 मिनट्स के अंदर जो है सोलापुर पहुंच जाएंगे। अभी तक रास्ता सच में बताओ तो एकदम मतलब चुम्मा रास्ता है, इतना अच्छा है रास्ता कि फील ही नहीं हुआ। चालू किया था 4:19 को राइट, अभी 8 बजने जा रहा है तो ऑलमोस्ट जो है 4 घंटा गया, फील ही नहीं हुआ हम लोगों ने, ना एक ब्रेक लेना पड़ा ना कभी फील हुआ कि नहीं थोड़ा स्ट्रेच कर लेते, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा है। बीच बीच में पॉटहोल्स है जहाँ पे हम लोग शहर से मतलब शहर के बीच से जा रहे थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो ऐसे आप इतने देखिए मतलब हर तरफ ऐसे मतलब हसीन वादियों के बीच से जब जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है पेन रिलीफ आपको इससे ही मिल जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, मतलब एवरी टाइम दैट वी आर प्रॉब्ली क्रॉसिंग एवरी 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है, तो दिस इज व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, व्हिच इज व्हाई इंडिया इज इनक्रेडिबल। ये जो है फूड दिख रहा है ना आपको, क्या सही है तुम्हें पता नहीं इसका क्या है, अंपल घर बोल के दिखा, अगर किसी आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। ये पूरा राइट हैंड साइड पे पूरा फोर्ट है, उस तरफ एक टूम जैसा भी है, अभी नहीं दिखा देगा हम लोग नीचे आगे थोड़ा, तो भाई टूम जैसा भी है और इधर पे पूरा जो है अभी सिंगल रोड ही रास्ता है, तो हम लोग सिंगल रोड पकड़ के मतलब सिंगल लेन पे जो है चलेंगे, प्रॉब्ली अनदर आई थिंक 30 किलोमीटर ऐसे ही चलेगा। तो ये इधर पे जो है एक्चुअली टाइम खा लेता है, नहीं तो बाकी सब बहुत सही है, मतलब दो तरफ जो है ब्यूटीफुल सीनरीज, एक्चुअली ब्यूटीफुल सीनरीज, अलग ही वाइब है इधर पे, बट वो इधर भी बहुत सही है, मतलब एक लेक भी है श्री राम मंदिर देवस्थान। ओके लुक एट दिस, दिस आल्सो ब्यूटीफुल। हम लोग को एक्चुअली अगर टाइम मिलता है वैसा ना तो हम लोग एक्चुअली उसके इधर पे थोड़ा दिन टाइम बिता सकते थे, बट हम लोग को जो है एक्चुअली मेन डेस्टिनेशन पहुँचना है गोवा पे, तो हम लोग टाइम नहीं कर रहे से देखा जैसे इधर से, जस्ट लुक एट दिस क्या सही है, एकदम लेक के बाजू ही जो है हम लोग का 4 नंबर टोल जो हम लोग क्रॉस करेंगे जो कि है महाराष्ट्र में वंस अगेन, और इसके बाद शायद और सिर्फ दो ही रहेंगे टोल एज पर मुझे पता है, पर देखते हैं। अभी हम लोग जो है पहुंच गए हैं सोलापुर और एग्जैक्ट टाइम है 8:51 है टाइम, और एज पर जो कैलकुलेशन था हम लोग वही है, आई थिंक 15 मिनट्स थोड़ा लेट पहुंचे होंगे बट प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो ये कुछ दिखता है ऐसा सोलापुर, अभी ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि कहाँ पे है सोलापुर में, आपको आई थिंक शिवाजी महाराज का भी दिखेगा स्टैचू इधर पे, तो उसके अलावा जो है अभी तक जो है बहुत सही से हम लोग पहुंचे, मतलब एकदम हैसल फ्री जिसको बोलते हैं, हैसल फ्री एंड लेस टायरिंग एक जर्नी था। तो अभी हम लोग थोड़ा कॉफी वॉफी जो भी पियेंगे, थोड़ा यू नो वॉशरूम जाके यू नो थोड़ा हल्का होके जो है
फिर इधर से शुरू करेंगे एंड दिस टाइम दैट वी विल गो फ्रॉम हियर वी विल डायरेक्टली गो फॉर देयर इज अनदर पॉइंट जो आई थिंक बीजापुरा या फिर जो कालबुर्गी के उधर पे वो कनेक्ट होता है उधर तक जाएंगे तो उसमें आई थिंक एट अ स्टेज हम लोग को फिर से 4-5 घंटा जाना पड़ेगा फिर उधर से चोरला घाट जाएंगे पे बहुत सारे आपको खाने का दुकान मिलेगा बट हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं हल्का हो जाएंगे गाड़ी जो है उधर पे हम लोगों ने रख दिया हुआ है तो गाड़ी इधर पार्क किया हुआ है आई डोंट थिंक कुछ बट अभी देखते हैं कि कुछ है कि नहीं मतलब खाने का ऐसा कुछ नहीं है सीन बस तो हल्का होना है कॉफ़ी भी हम लोग के पास है अगर ठंडा नहीं हो गया तो ठीक है नहीं तो शायद इधर से चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा चाय कॉफ़ी नथिंग कॉफ़ी ठंडा नहीं होगा कॉफ़ी ठंडा नहीं होगा एक्चुअली अंकुना ने दिया हुआ एक फ्लास्क वो टेम्परेचर वाला जिसमें दिखता है होपफुली नहीं होगा तो बट देखते हैं फिर ये जो आपको दिख रहा है ये है बीजापुर रोड जहाँ से लेफ्ट हमें को लेना पड़ेगा उधर पे गाड़ी है इधर पे जो वॉशरूम था ना एक्चुअली ये मतलब मेरा एक्चुअली देखा हुआ और एक्सपीरियंस के बाद सबसे गंदा वॉशरूम है एंड आई एम श्योर कोई भी अगर आप लोग इधर पे आते हो लड़की लोग के लिए तो बिल्कुल सिटी नोट हो अगर लड़के लोग भी आप लोग आ रहे हो तो आई थिंक इट्स बेटर यू अवॉइड दिस वॉशरूम कहना नहीं चाहिए बट अगर यू नो कोई भी और जगह पे जहाँ पे आपको ओपन फील्ड मिले उधर पे कर लो ठीक है इधर पे बिल्कुल नहीं तो ये कॉफ़ी के साथ हम लोग खाएंगे क्रॉसेंट इसके बाद भी अगर भूख लगे अच्छा हम लोग कब खाएंगे ब्रेकफास्ट चलो थोड़ा ब्लैक कॉफी पी लेते तो ये फ्लास्क में तो कॉफी मतलब ऑलमोस्ट ठंडा हो ही चुका है चोरी का क्या हाल होगा वो पता नहीं है तो छोटा तो क्रॉस एयर मैंने देखा नहीं कभी बावली का कॉफी पी लेते स्पेशल चाय ये है आपका जो होटल संगम दिख रहा है उधर पर हम लोग ने चाय लिया हुआ है 20 रुपये का है बट बहुत सही है कॉफी एकदम ठंडा हो गया तो इसलिए जो है चाय पीते हैं तो अभी हम लोग सोलापुर से निकल स्ट्रेट ऑन नेशनल हाईवे 460 बड़ा हरामी हो अभी हम लोग सोलापुर से निकल चुके हैं और NH 52 से निकल के हम लोग अभी हम लोग NH 465 में घुस गए और इधर से हम लोग जो है अभी अभी इधर से हम लोग डायरेक्टली जो है पहुंचेंगे सांगली की तरफ जहाँ से हम लोग फिर जाएंगे बागलपुर पर उधर पर हम लोग थोड़ा रुकेंगे एक इंडियन आई थिंक पेट्रोल पंप या कुछ है उधर पे थोड़ा खा लेंगे बिकॉज पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं करा उधर पे खा लेंगे अगर भूख लगा तो और फिर जब उधर से हम लोग फिर स्ट्रेच मारेंगे 1:22 कुछ दिखा रहा है और रोड अभी फिर से अच्छा ही है बिकॉज NH है तो जब तक सिंगल लेन नहीं आता है तब तक हम लोग कोशिश करेंगे NH में जितना हो सके खींच लेने का सिंगल रोड आने के बाद सिंगल लेन में जो है कैसे भी टाइम कम ज़्यादा ही लगेगा एक्चुअली बिकॉज ट्रैफिक रहेगा कैसे भी और बहुत जन जो हम लोग एक्चुअली नोटिस करें आने के टाइम पे हैदराबाद से आ रहे हैं आंध्रा से आ रहे हैं जो आई एम श्योर इधर पुणे जा रहे हैं या मोस्टली गोवा ही जा रहे होंगे तो देखते आगे कितना ट्रैफिक है नहीं है फाइनली वी हैव एंटर्ड विजयपुरा अभी विजयपुरा में हम लोग थोड़ा हॉल्ट लेंगे 2-3 मिनट में बस इधर पे कहीं पे गाड़ी रुका के हम लोग थोड़ा खाएंगे और गर्मी एक्चुअली बढ़ रहा है अभी जो टाइम एग्जैक्टली बताओ तो है 10:49 और हम लोगों ने एसी भी ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि ज़रूरत है और खाना भी है इसलिए ख़राब ना हो जाए इसलिए एसी ऑन हम लोगों ने कर लिया और आई थिंक अभी जैकेट विकेट भी ओपन करना पड़ेगा बिकॉज अभी जहाँ पे हम लोग टेरिटरी में घुस रहे हैं उधर पे ठंड तो कमेगा ही और गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज बाई अनदर मे बी 1 आवर और सो मतलब 12 बजे तक तो है पूरा एकदम सर के ऊपर जो रहेगा सूर्य मामा तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट कम लंच भी बोल सकते हैं जितना तक मतलब खाना भूख नहीं लगेगा यही चलेगा हम लोग का खाना तब तक के लिए तो यह है आपका आलू का दम और ये कचौरी ग्रीन पीस का कचौरी ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट किया था अरिजीत उधर पे खा रहे हैं ये खा के फिर हम लोग निकलेंगे विजयपुरा से अभी तक जो है इसका परफॉर्मेंस जो है मतलब लाजवाब है मतलब मुझे एक बार भी जो है ये बोर फील नहीं कराया और अभी जो है इधर पे हम लोग खाए हैं अभी खा के थोड़ा बस यू नो स्ट्रेच कर रहे थे क्योंकि अभी इधर से जो है स्ट्रेट जो है करीब 4-4.5 घंटा जाना पड़ेगा उसके बाद फिर एक ब्रेक लेंगे तो थोड़ा स्ट्रेच कर ले रहे बिकॉज ये फिर से जो है जब पहले हम लोग शुरू हुए थे हैदराबाद से उसके बाद भी है फिर से वही एक लंबा स्ट्रेच रहेगा एंड अरिजीत बिकॉज पूरे रात सोया नहीं हुआ है काम किया हुआ है तो उसको थोड़ा नींद यू नो ताकि ना आए तो इसलिए जो है वो थोड़ा अभी मिठाई विठाई खा ले रहा है तो होपफुली वो नहीं सोएगा और मुझे तो आई एम तो एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम श्योर दैट यू नो हम लोग 6 बजे तक जो है गोवा टच कर लेंगे यही
ये एक्चुअली आई गेस मुझे पता नहीं ठीक से, ये कावेरी रिवर है जो अभी आ रहा है जिसके ऊपर से अगला हम लोग अभी गुजरेंगे। बहुत लंबा स्टेज है ये वाला पूरा जो आपको दिख रहा है ब्रिज, आई थिंक गुड 3-4 किलोमीटर का तो होगा स्ट्रेच ये, मुझे इतना पता है। बट ये कावेरी रिवर है कि नहीं मुझे सच में एक्चुअली ठीक से मालूम नहीं, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट मुझे बताइएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए जो है थोड़ा बहुत वो उसको हैम्पर कर रहा है। बट जस्ट देखिए यू नो क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड क्या सही लग रहा है, नाव भी दिख रहे हैं आई थिंक, पता नहीं मछली पकड़ने के लिए जो भी है कुछ नाव भी दिख रहे हैं। और दूर दूर तक जो है ना एकदम मतलब लग रहा है कि समुंदर के जैसा, मतलब दूसरा एंड दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत जने आगे भी देखेंगे खड़े होकर जो है फोटो ले रहे, बट एक्चुअली दे आर नॉट सपोज्ड बिकॉज उस तरह से जो गाड़ी आ रही है उन लोग का ब्लॉग होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस है, बट स्टिल दिस पीपल आर लाइक टेकिंग फोटो एंड खड़े होकर ले रहे। बट एनीवे आई थिंक आई एम श्योर दैट इवनिंग पे या फिर अर्ली मॉर्निंग पे अगर आप इधर से गुजरेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो हम लोग थोड़ा इधर पे पेट्रोल पंप पे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए 4 घंटे का स्ट्रेच सोचा था मार देंगे बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। एक्चुअली अरिजीत पे जाना था वॉशरूम, अभी अरिजीत आ रहा है वॉशरूम से और मैंने सोचा थोड़ा निकल के जो थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ बिकॉज पहले पहले जो वो एक्साइटमेंट और यू नो जो एनर्जी रहता है ना, बेसिकली एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है बट जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता रहता है बिकॉज आप मैंने अभी हम लोग एटलीस्ट जो है ना बाई नाउ ऑलमोस्ट जो है करीब 8 घंटा जो चल चुका है, अभी और भी 5 घंटा या 6 घंटा लगेगा, इसलिए जो है जितना जल्दी वो रहता है कि ना पहुँचने का उतना ही जो लगता है कि नो लेट्स गियर अप, बट एट द सेम टाइम एनर्जी जो है नहीं देता साथ आपका, मतलब लगता है कि थोड़ा यू नो स्ट्रेच कर ले रहे इसलिए, तो वही है बस। बट रास्ता अभी भी बाई फार वेरी गुड एंड दिस पार इज आई मीन माई जोरो परफॉर्मिंग रियली ग्रेट। हम लोग जो है बेलगवी एंटर कर चुके हैं, हम लोग इधर से जो है कहीं पे फिर से रुकेंगे क्योंकि इधर से जो नेक्स्ट हम लोग का डेस्टिनेशन आएगा वो रहेगा चोरला घाट, एक जगह जो जहाँ पे हम लोगों को बहुत मशक्कत एक्चुअली करना पड़ा। पूरा जो है शहर के अंदर से हम लोगों को लेके गया तो उधर पे बहुत सा मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत टाइम तो गया। तो अभी हम जो है बेलगवी के अंदर आते ही जो है भूख लगा था इसलिए हम लोग आए एक छोटे रेस्टोरेंट में, जस्ट थोड़ा बहुत खा लेंगे। बिरयानी एक्चुअली ऑर्डर किए हुए हम लोग अर्जित खा रहा है और एक 7 अप लिया हुआ है हम लोग, तो इधर से जल्दी खा के जो हम निकल जाएंगे। बेसिकली सेकेंड लॉन्ग जो हम लोगों ने हॉल्ट किया ये सेकेंड एक्चुअली हॉल्ट बोल सकते हैं, इसके बीच हम लोगों ने कोई भी हॉल्ट लेने जो भी लिया था हम लोगों ने देखा बहुत ही मतलब 5-6 मिनट का था इज अ प्रॉपर हॉल्ट एंड ये हॉल्ट में एक्चुअली भूख लगा था इसलिए खाने के लिए, इसके बाद जो हम लोग डायरेक्ट गोवा पहुँचेंगे इसके बीच शायद नहीं। सामने जो है चोरला घाट जो जहाँ पे हम लोग अभी उठेंगे 42 किलोमीटर्स है, ये पूरा जो दिख रहा है ये घाट एरिया है जहाँ पे हम लोग उठेंगे और वो घाट क्रॉस करने से ही इमीडिएट जो है हम लोग गोवा पहुँच जाएंगे। अभी तक हम लोग कर्नाटक में हैं, एक मतलब अलग ही एक्सपीरियंस स्पेशली यू नो व्हेन यू ड्राइव योर कार। और फिर से देखिए सामने घाट जो है एंड एज यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो हम लोग चाहते थे कि एक्चुअली थोड़ा जो है सनसेट के टाइम ही पहुँचे ताकि सनसेट का थोड़ा मजा ले पाए, तो होपफुली वो पॉसिबल होगा क्योंकि अभी है टाइम एग्जैक्टली 4:45 और बाय द टाइम वी विल रीच इट विल बी अराउंड 5:30, 5:45 मतलब करीब और एक घंटे के अंदर हम लोग शायद पहुंच जाएंगे। तो आपको अभी डायरेक्टली जो है चोरला घाट पे जाके दिखाएंगे। सामने जो आपको रास्ता दिखाएगा ऐसा ही रहेगा मोस्टली पूरा चोरला घाट का रास्ता, देखिए जस्ट लुक एट दिस व्यू सच अमेजिंग आई थिंक एक्चुअली इसीलिए जो है अगर आप आना चाहते हो तो इट्स बेटर इफ यू रीच हियर इधर इन द इवनिंग और इन द अर्ली मॉर्निंग। और जब एक्चुअली जो है आपको बहुत ध्यान से भी गाड़ी चलाना पड़ेगा ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज बहुत चढ़ाव और उतराव है और मोस्टली गियर आप 3rd max 4th तक जा सकते हो, उसके पहले उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। रास्ता भी ऑनेस्ट ठीक अभी तक तो नहीं है एंड आई थिंक पूरे चोरला घाट पर ऐसा ही रहेगा जैसे आपको दिख रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है कैसे भी स्पीड अप नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक ये पूरे जो सीनरी है पूरा माहौल देख के जो है डेफिनेटली मन भर गया। और अभी एक्चुअली हम लोग पहुँचे भी नहीं उतना ऊपर, पहुँचने के बाद आपको ऊपर से जो व्यू दिखाएंगे नीचे का। एक्चुअली जो है
वाइल्ड एनिमल तो बोल के रखे कि मिलते हैं बोल के, बट आप देखेंगे कि बाइक में भी लोग घूम रहे हैं, तो आई थिंक वाइल्ड एनिमल बोले तो इधर पे बंदर ही रहते हैं, इसलिए हमने कांच भी उठा दिया हुआ है, रिस्क नहीं ले रहे, बट ऑलरेडी गाड़ी के अंदर तो है गाड़ी के अंदर ऑलरेडी तो बंदर जा रहे हैं अभी बोल, बट या बहुत सही सीन है अभी तो, सीन जो है इधर पे मतलब धीरे धीरे लग रहा है कि बाहर पे जितना भी सनराइज है वो मतलब जो एक्चुअली सन रेज है वो अंदर तक आ ही नहीं रहे, बिकॉज इतना डेंस हो चुका है धीरे धीरे फॉरेस्ट, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी पहाड़ बोले तो इतना बड़े पहाड़ भी नहीं है, जो वाकिफ है ऑलरेडी गोवा आते हो उनको पता रहेगा, बट रोड्स क्या मतलब सही सीन है इधर पे, अब देखिए क्या सही सीन है। हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं चोड़ला, ये जो आपको दिख रहा है घाट रोड, ये चोड़ला घाट रोड है, अम्बोली हम लोगों ने ले लिया, आप भी जो है आगे जाते देखिए मतलब नज़ारा, आई थिंक मेरे बोलने से ज़्यादा जो है नज़ारा देखने में ज़्यादा मजा है, और उस तरफ जो है सामने आपको सनसेट दिखेगा, कभी कभी दिखाई दे रहा है कभी कभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट इट्स एन अमेजिंग व्यू। एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर चोड़ला घाट का रूट ले रहे हो तो एक चीज़ डेफिनेटली समझ के आइएगा कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा मतलब कोई हैचबैक गाड़ी हो छोटा गाड़ी हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ेगा, मेरे गाड़ी में ही ऑलरेडी नीचे लग रहा था, एंड अभी देखिए सामने का व्यू देखिए, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर, जस्ट लुक एट दिस, राइट हैंड साइड पे पहाड़, लेफ्ट पे जो है सनसेट। So it is 6:34 and officially we have reached Goa. तो है हम इधर घूम रहे हैं जो कि आराम फेस्ट जो फैमिली रेस्टोरेंट है, कुछ भी एक था बस चाय पीना था, क्योंकि पूरा पहाड़ी रास्ते से जो आने के बाद ना एक तो घुटना दुख रहा है उसके ऊपर जो है मतलब दूसरा पैर भी यू नो प्रबल दुख रहा है और कमर जो है हालत टाइट हो चुका है, और ऑब्वियसली आप जो उधर पे जो है जब आप पूरा स्ट्रेच लेते हो ना आई थिंक इन एंड अराउंड ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ में तो वो डेफिनेटली 100 से भी ज़्यादा लगता है, मतलब फील होता है महसूस ऐसा होता है, उधर पे हम रुक नहीं सकते, उधर पे हम लोग रुके नहीं, हमें पूरा स्ट्रेच खत्म करके जो नीचे आके हम लोग फिर चाय पियेंगे, तो अभी चाय इज अ मस्ट, अभी इधर से चाय पियेंगे उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे डायरेक्ट होटल की तरफ, और इधर से कुछ डेढ़ घंटा लगेगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 8 वी विल रीच देयर। हियर्स द फर्स्ट चाय इन गोवा, चीयर्स। अभी ये हम लोग नेशनल हाईवे 4A जो है वो बाईपास आई है, इधर पता नहीं क्यों पूरे लाइन देखे अगर आपको दिखेगा दूर दूर तक गाड़ी खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों क्या है रीज़न, टाइम अभी ऑलरेडी जो है 7:46 बज चुका है, और ज़्यादा टाइम अगर इधर वेस्ट हुआ तो आज का दिन ही वेस्ट हो जाएगा, तो देखते कब ये आगे बढ़ते, इसका रीज़न ही पता नहीं है क्या है रीज़न एक्चुअली। ये है गोवा का नज़ारा रात को क्रिसमस के 2 दिन पहले, और अगर आई वुड से क्रिसमस की 1 रात पहले, और अभी हम लोग शायद वो ब्रिज लेना पड़ेगा क्या अरिजीत? हाँ वो ब्रिज लेना पड़ेगा, ब्रिज कनेक्ट साउथ गोवा टू नॉर्थ गोवा, ओके सो वी विल टेक अ राइट फ्रॉम हियर एंड वी विल गेट ऑन टू द ब्रिज। लास्ट टाइम जब आया था तब उसमें अभी भी काम चल रहा था, तो आई थिंक बाई दिस टाइम ये पूरा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काम हो चुका है, एंड अभी से आप देख सकते हो कि यू नो द चेंजिंग लाइट्स एंड नीचे जो है समुंदर, और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे जो कैसिनो के दिखेंगे सारे जो क्रूज रहते हैं जहाँ पे कैसिनो होता है, या फिर क्रूज में जहाँ पे आप यू नो बहुत सारी सर्विस अवेल कर सकते हो, आप लोगों को पता है आई एम श्योर, तो ये पूरे जो है आपको दिखेंगे लेफ्ट में, एंड दिस इज दिस मैग्निफिसेंट ब्यूटिफुल ब्रिज। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, और अभी एग्जैक्टली टाइम है 9:08, एक्चुअली हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले, पर इधर पे कार का पार्किंग का बहुत इश्यू है, तो इधर से करीब 50 मीटर दूर मेन रोड के उधर पे रखना पड़ रहा है, बट दे आर सेइंग सेफ, बिकॉज मैंने देखा भी बहुत सारा कार उधर पार्क किया हुआ है, और ऐसा कुछ यू नो लगता है हमारा रूम, मैं बाद में जो है रूम टूर दूंगा और बताऊंगा इस होटल के बारे में, बट अभी के लिए जो है नहा के फ्रेश होना है, तो सी यू आफ्टर गेटिंग फ्रेश विद इन 1, 2 एंड रेडी। सो अभी हम लोग जो है जा रहे कैंडोली बीच में, जो कि एक्चुअली नियर बाई है,
तो उधर पे हम जाएंगे और डिनर करेंगे, उसे बैठेंगे, समुंदर का मजा लेंगे। बट ये ब्लॉग को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, स्ट्रेच नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। आई वॉन्ट यू टू सी एवरीथिंग दैट वी और आई हैव यू नो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड वेल कमिंग टू गोवा ऑन द वे। बट इसमें अगर मैं आज का और भी बहुत सारा कुछ यू नो चीज़ डालूँ तो और भी ज़्यादा बड़ा हो, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो वजह से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल नाउ। अगर आपको लगता है कि ये ब्लॉग हेल्पफुल है आपके लिए, या फिर कोई अगर आपको जाना बेचाना जो प्लान कर रहे हैं गोवा आने के लिए, बिकॉज फ्रॉम नाउ टिल मार्च इज द बेस्ट टाइम टू कम इन गोवा, तो अगर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले ब्लॉग में भी दूंगा, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके को हेल्पफुल है ऑन द रोड यू नो ऑन द वे कैसे आना है फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा, शायद थोड़ा बहुत मदद मिले। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करके वीडियो को सपोर्ट करिए एंड कमेंट योर थॉट्स कि आपको कैसे लग रही है ये सीरीज। सो वंस अगेन दिस इज योर सो टू सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, अंटिल देन।